अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और वीडियो के साथ मैं हूं रमजान इकबाल और आप देख रहे हैं जो गाल। और गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं क्यू का एक मोबाइल है कमांडो 1, जिसको आपने थंबनेल के अंदर सबसे उसका बड़ा फीचर देख लिया होगा। एक महीना बैटरी टाइमिंग है इसकी क्यू मोबाइल्स की जानिब से, जो कि हमें बताया गया है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं के और देखते हैं कि किसका किस्म का ये मोबाइल है और इसकी प्राइस कितनी है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो यार गाइस, देयर इज नो टाइम, लेट्स गो फॉर इट। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हम कमांडो 1 की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक और मोबाइल क्या कर रहा है। तो ये मोबाइल मैंने यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि ये मोबाइल फ़ोन करीब 2 माह से मार्किंग के अंदर गर्दिश कर रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी समझा जा रहा था। और इसकी जो बैटरी टाइमिंग बताई जा रही थी वो करीब 1 महीना है, जिसको मैंने परचेज़ किया तो और यूज़ किया था, तो ये तकरीबन 4 से 5 दिन ईजीली निकाल जाता है यूजेज के अंदर। लेकिन 1 महीना जो बैटरी टाइमिंग इसकी कही जा रही है वो हकीकतन दुरुस्त नहीं है। आल्दो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर इसका पावर बैंक भी लग जाता है, जो कि एक एडवांटेज है कि हम किसी अपने बड़े वाले मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और दूर दराज के इलाक़े में रहने वाले भी लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो 1 महीना यकीनन नहीं है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन है। और इसकी LED लाइट काफ़ी तेज़ है, जो कि आप अभी अभी आप देख रहे हैं अपनी LCD के अंदर। तो ये है तकरीबन 2000 का ये मिलता है और ये कमांडो 1 QMobile वालों ने इसकी कॉपी मारी है, जो कि यकीनन उससे बेहतर होगा क्योंकि वो लोकल कंपनी का मोबाइल है और ये QMobile का मोबाइल है और इसकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से उससे बेहतर होगी। और ये हम नाइफ लेके आए अपने इस चैनल के लिए, जिसके लिए आपको यकीनन थम्स अप देना चाहिए। मैं अपने चैनल की नाइफ लेके आया हूँ। तो इस चलिए इसको खोलते हैं। तो ये खुल जा रही है, सील ऑलरेडी खुली हुई है, जो कि QMobile है तो चलता है भाई। और ये खुल गया, ये है QMobile हमारे सामने पड़ा हुआ। इसको रखते हैं साइड पे, तो फिलहाल देखते हैं कि इसके अंदर एक्सेसरीज़ वगैरह कौन सी है, जो कि यकीनन इतनी अच्छी नहीं होगी। ये PTA का स्टैंप है जो कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, अलबत्ता QMobile ब्लैक के अंदर माल लेके आता है। तो ये है इसकी हैंड फ्री, दिखने में बहुत ही आम सी लग रही है, बकवास है, इतने में इतने मिलता है, बाकी ठीक है। और ये चार्जर है, चार्जर भी इतना अच्छा नहीं है चार्जर, अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हैं तो आपको अच्छे वाला चार्जर लेना पड़ेगा अलग से, तो बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है देखने की। तो ये खोलते हैं हम अपने मोबाइल को। मोबाइल फ़ोन यहाँ बैक साइड में स्पीकर काफ़ी बड़ा है, जो कि आवाज़ मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी होगी इसकी। और स्लिम में काफ़ी पीछे यहाँ पर पावर बैंक इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा, जो कि मैंने अभी आपको मोबाइल दिखाया उसके अंदर पावर बैंक की फैसिलिटी भी थी। चलें इसके अंदर बैटरी लगा लेते हैं। बैटरी काफ़ी बड़ी है, मेरे ख्याल से 1 महीना तो नहीं, कम से कम 10 से 15 दिन तो इजीली निकालेगा ये मोबाइल फ़ोन, क्योंकि बैटरी देखने के अंदर काफ़ी बड़ी है और क्योंकि बैटरीज अच्छी ही होती हैं वे भी। और ये खुल गया, ये क्योंकि अंदर 2 सिमें लगेंगी इसके अंदर बड़े वाली, और एक microSD कार्ड भी लग जाएगा। और यहाँ पर ये बैटरी को लगाते हैं अंदर और ये ऑन होने जा रहा है। और ये लगाते हैं इसकी बैक साइड पे, बैक प्लास्टिक है और ये टूट सकती है इजीली, और मेरे ख्याल से इसकी बैक शायद दोबारा ना मिले, क्योंकि QMobile है, इसकी बैक्स वगैरह नहीं मिलती। तो ये है भाई क्यू का मोबाइल, जो कि बताया जा रहा है 1 महीना बैटरी टाइमिंग है, लेकिन बैटरी टाइमिंग मेरे ख्याल से इसकी 10 से 15 दिन होगी। ये मैंने ये मेरा फर्स्ट जो है इम्प्रेशन है उसको, ये आप कंसीडर कर सकते हैं,
ये मेरा रिव्यू नहीं, आप इसको कंसीडर कर सकते। तो इसकी जब बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये मोबाइल फ़ोन इतना मज़बूत नहीं कंसीडर किया जा सकता, टूट सकता है ईज़िली। अगर आपने इसको लेना है तो ये सोच के लीजिएगा कि इसकी जो बैक है वो ईज़िली टूट सकती है, बहुत ही कमज़ोर किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया और स्पीकर भी ओपन ही है। और जहाँ तक इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो ये मोबाइल फ़ोन आपको 3000 की रेंज के अंदर मार्केट से ईज़िली मिल जाएगा, जो कि अच्छी रेंज है क्योंकि स्मार्टफोन की बात अलग है, ये छोटा मोबाइल फ़ोन है। ये इस रेंज के अंदर अच्छे आधा से 15 दिन बैटरी टाइमिंग है इसकी। और इसके अगर कंपैरिजन करें ये लोकल मोबाइल से जो कि एक्सीबी कंपनी का है, ये भी अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू क्यू मोबाइल। और क्यू मोबाइल जो है वो स्लिम है इस एक्सीबी के मोबाइल से, जो कि ये एडवांटेज है। और डिस्प्ले की बात की जाए तो क्यू मोबाइल का डिस्प्ले बड़ा है और एक्स यू बी कंपनी का डिस्प्ले छोटा है। और फीलिंग कंफर्टेबल जो है वो यकीन क्यू मोबाइल है क्योंकि वो स्लिम है, और एक्स यू बी कंपनी का जो मोबाइल है वो बिल्ड क्वालिटी उसकी बहुत ही आला है क्योंकि वो इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, लेकिन उसके मद्देमुकाबिल जो क्यू मोबाइल है वो ईज़िली टूट सकता है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हाँ तो लाइक कर देंगे, नहीं तो डिसलाइक कर देंगे। सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बखेरें। पीस आउट।